हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है? आ गए अपने रूटीन पे, वापस से ट्रैक पे। कार्डियो संडे है आज। आज आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड करी हैं, आपको देखने को मिलेंगी, आपको मजा आएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गए हैं सुबह 7:30-8 बज गया। मन ही नहीं कर रहा था उठने का। बाकी मैं यहाँ तक फील हुआ, मैं रोज़ जिम 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 दिखा देता हूँ आपको। चेहरा देख रहे हो, झुर्री आ गई, झुर्री। रोज़ आपको जिम दिखा देता हूँ। बाकी आपको पूरा आज पूरा दिन दिखाएंगे, कैसे क्या क्या करता हूँ मैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करता हूँ जब घर वाले दूसरी चीज़ें खाते हैं और मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ। क्या क्या खाते हैं ठंड में हमारे यहाँ, और मैं यहाँ पे खाता हूँ घास फूस, सब मिलेगा आपको देखने को। देखो कितना हंगा चाहिए बोलते हैं ना, कितना कंट्रोल करना पड़ता है। ये अब से नहीं, 5 से 6 महीने से ऐसे बॉडी इंजेक्शन या कि बोलते हैं ना सप्लीमेंट डालने से बॉडी नहीं बन जाती। चलो मिलते हैं आपको आगे उठ के। हाँ जी गाइस, ये अपना एप्पल सीडर पी रहे हैं, और ट्रस्ट करना ये बॉडी बिल्डिंग गेम ना, ये होता है ना, बंदे पैसा है तो पैसा लगा दो, कुछ नहीं बचता शरीर के अंदर ना, ऐसे ही जान हो जाती है, हालत हो जाती है। प्रोटीन अब ऐसा है, गेम पास आ गया 10-15 दिन रह गए, कि पूरी बॉडी तोड़नी है, निचोड़नी है, डेली डेली चेंजेस दिखेंगे आपको। अभी आज तीसरा दिन है, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा, बस ये लगा लो 10-15 के बीच में मेरा गेम आ जाएगा पहला, इतना मैंने आपको बता दिया। और मैं 5 साल बाद खेल रहा हूँ, देखो डर तो है, अब होता ना कि टक्कर वाला सामने कौन मिल जाए। बाकी कोई बात नहीं, बेस्ट देंगे अपना, बढ़िया स्टेज कवर करेंगे, सारी क्लिप बनाऊंगा, सारी वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या रहेगा सब आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर ढंग से व्लॉग। और लास्ट में मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे पानी छोड़ता हूँ, कैसे कार्ब लोडिंग करता हूँ, हर चीज़ दिखाएंगे आपको। मिलते हैं आपको आगे चल के, थैंक यू। हाल चाल है? देखो उलाओ चिकन वेजीज, ये सामने देख लो पुलाव, इसको कहते हैं फ़र्क, इसको कहते हैं पुलाव। बहुत टेस्टी है, ठीक है। मेरे को क्या खाना पड़ रहा है? वेजीज उबला हुआ चिकन बिना नमक का, तो इसे में देख लो पुलाव और ये, तो इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। आ रही है समझ? यहाँ मिल टू चल रही है, डेरी मिल्क, ठीक है। और अपने हम अच्छी खाते हैं, देखो अब बताओ कैसे कोई रोके किसी को। और ये छोटा बच्चा भी खा रहा है, माशाल्लाह देखो, सेकंड चल रही है ये, सेकंड मील ऑफ द डे हमारी, सेकंड मील वही उबला हुआ खाना। बाकी पहले कार्डियो करेंगे, फिर वर्कआउट, फिर कुछ ना कुछ क्लिप्स डालेंगे आपके लिए। थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी मैं गेम में बिजी हूँ। अभी थोड़े दिन बाद और मज़ा आने लगेगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे पानी छोड़ूंगा, कितने घंटे के लिए छोड़ूंगा, आखिरी में मेरी मील्स क्या रहेंगी, स्टेज पे कब कितने वेट पे चढ़ूंगा। 108 किलो से स्टार्ट किया था, और स्टेज ऑन स्टेज वेट कितना होगा मेरा। बाकी खूब मजा आने वाला है, बस अपने छोटे भाई को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लेके आ सकूँ। मानोगे, व्लॉगिंग करना मैं मानता हूँ कि देखो मुश्किल काम है, पर जब आपने डाइट पर हो ना, और आप सुबह शाम वर्कआउट 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 कर रहे हो उसके साथ अपनी चीज़ें, क्योंकि बंदा ना इरिटेट रहता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो जाता है, जब उसको कुछ खाने को ना मिले, बॉडी में जान ना हो, और वापस तो नहीं ही मेहनत करनी हो, वो वाला काम हो रहा है कि किसी को बोले कि भाई तुझे काम करना है पर तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सेम वही बात वाला हो रही है। पर कोई बात नहीं, वो मेडल के पीछे ना सब चीज़ फीकी है, अपनी जान लगा देंगे, बेस्ट देंगे, बाकी ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है। गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, मेरा मानना है। आज आपका दिन नहीं है, कल नहीं है तो परसों जरूर आएगा, बेस्ट दो अपना, कोई बात नहीं। बाकी कार्डियो का स्टार्ट किया है, मिलते हैं आपको कार्डियो करके, थैंक यू। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? हो गए 85-86 मिनट हो गए कार्डियो करते, पसीना देखा ठंड में आता हुआ, देखो इसको कहते हैं मेहनत। यहाँ लोग कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ बॉडी से पसीना निकाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से आता है सर्दी में। बाकी करके देखो, जब मेहनत करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बाकी लगे रहो और तगड़े होने पे ध्यान दो। हाँ जी गाइस, 100 मिनट कार्डियो कर लिया, अब बैक की वर्कआउट मारेंगे, बैक की वर्कआउट 6 से 7 मारेंगे,
मैं रेपिटेशन पे ध्यान दूंगा, जो भी ये फॉलो करना चाहता है, वर्कआउट फॉलो करना चाहता है, वो 3 से 4 सेट ला सकता है और 12 से 15 रेपिटेशन ले सकता है। वर्कआउट जरूर बताएंगे, ठीक है। आज हम लोअर बैक पे ध्यान देंगे, मैं हमेशा अपर ही करता हूँ, आज लोअर ज़्यादा मारेंगे, देखना मज़ा आएगा वर्कआउट। मतलब अगर आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ लगे तो जरूर अपने छोटे भाई को बताया करो, ताकि मैं आगे सुधार सकूँ। वॉइस की आज बच्चे नहीं है जिम में, कल से कोशिश करूँगा कि दिन में वर्कआउट करो, ऐसे टाइम में वर्कआउट करो जब आपको वॉइस में दिक्कत ना है। बाकी चलो आप मिलते हैं वर्कआउट के बीच में। गाइस पहले वर्कआउट करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, 4 सेट बनाएंगे। मैं वेट कम मारूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 12 से 15 रेपिटेशन होल्ड कर करके मसल पकड़ के तगड़े होल्ड करनी है, बॉडी में जान नहीं है, कार्डियो करते हैं पर वर्कआउट पूरी करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 पहली वर्कआउट हो गई है ये। मैं वहाँ पर बेसिक है, लेट्स पुल डाउन ना, इसको बेसिक है, मतलब लेट्स खोलने के लिए, बैक को स्ट्रेच करने के लिए बेस्ट है। वाइड भी होती है इससे, अपर जो वाइड रैप होती है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे हम लेट पुल डाउन में, 4 सेट लगाएंगे, 12 से 15 रेपिटेशन। वेट अब अपने बॉडी रखने को नॉर्मल, मैं मानता हूँ जितना होल्ड करके वेट मारोगे ना उतना मजा आएगा, भागना नहीं है। देखना आप कैसे अपने पैर को लॉक करना है, सबसे पहले तो उसके बाद से करते हो। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। गाइस ब्लू वर्कआउट हो गई है, तीसरी वर्कआउट है। क्लोज ग्रिप करके मूवमेंट देखना और वेट कम लगाना ताकि बॉडी को स्क्वीज कर सको, ऊपर लेके जाना है, खुद को नीचे स्ट्रेच करना है। 4 सेट लगाएंगे, 12 15। मैं मतलब ज़्यादा इसलिए मार रहा हूँ कि कटिंग पीरियड में छिलनी है बॉडी, आप 12 15 रह सकते हो। मूवमेंट देखो, ये 2 3 नीचे देखे लगा अपने आपको, 4 5 6 फोर्थ एक्सरसाइज है बेंट ओवर। मैं हमेशा ये वेरिएशन मारता हूँ, आज लोअर बैक की करनी है तो ये वेरिएशन मारता हूँ, ये आपको ये मारने लोअर के लिए। देखो कैसे करेंगे, ये उठाए, ये पीछे आएंगे, अपने आप को बेंट करेंगे एंड स्क्वीज, 1 2 3 4 5 6 चार्ट। गाइस अपनी ये फिफ्थ एक्सरसाइज है, बैंड नेक मेरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मुझे लगता है इसमें पूरी बैक कवर होती है। फिफ्थ एक्सरसाइज है, 4 सेट लगानी है, 12 से 15 रेपिटेशन होल्ड करके देखना कैसे करेंगे। बाकी वर्कआउट के बाद आपको बॉडी दिखाएंगे कि बैक का क्या हाल चाल है। 1 2 3 4 5 6 गाइस अपनी 6th वर्कआउट है, सिटी ड्रॉइंग। हालत खस्ता हो गई है, 4 सेट लगाने हैं, बॉडी दिखाएंगे आपको वर्कआउट के बाद बैक का क्या हाल है। 12 से 15 रेपिटेशन होल्ड करके मारना है, तगड़े हो गए। मेरा मानना है 40-45 मिनट वर्कआउट करो, पर ऐसे ही कर दो कि बैक को लगे हाँ है जो कुछ हुआ है उसके साथ। ग्रिप देख लो आप ऐसे रहेगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट और थाइस अपनी लॉक कर लो, आगे जाओगे थोड़ा झटका आ गया, फ्लो करना देना। 1 2 3 4 5 6 ये 7 वर्कआउट है। मे बी ये मशीन सबकी जिम में ना हो तो उसकी जगह डंबल जिम लगा सकते हो। देखो 3 सेट लगाने हैं इसके, 12 से 15 रेपिटेशन। देखो कैसे लगाएंगे, ये कान पकड़ते हैं इसके, ये आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 गाइस ये लास्ट वर्कआउट है हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए। बैक बेस्ट इसे कहते हैं ना, बेस्ट वर्कआउट वो है जो डेडलिफ्टिंग मार सकता है। हाइपर एक्सटेंशन लगाए, 3 सेट लगाए तो फेलियर एंटी 15-20-25, पर बैक के नीचे लोअर बैक पे जोर नहीं आना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे,
स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आओ आपको देखो बॉडी कंडीशन में कैसी होगी। गाइस बैक की वर्कआउट हो गई है, आधा घंटा और कर लेता हूँ कार्डियो, थोड़ी सी जान बची थी सोचा और निकाल दूँ कुछ पसीना वसीना कुछ निकलता है बॉडी से। अब एक एक दिन कीमती है, देखो सच बताऊँ जान बिल्कुल भी नहीं है, पर अंदर ये है कि क्या पता कोई और भी तैयारी कर रहा है गोल्ड के लिए, तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मिलते हैं आपसे कार्डियो करके। जी गाइस क्या हाल चाल है, जिम से घर आ गए हैं, 11:30 का टाइम हो गया, ये लास्ट मील ऑफ द डे है, बिना नमक के उबला चिकन और ये वेजीज। बाकी आज के व्लॉग में मैंने कोशिश किया कि आवाज़ आपको क्लियर आ पाए, मैंने खुद मुंह से बोला है, जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाया, हालात बिल्कुल हस्ता हो चुकी है। बाकी कल फिर एक नया दिन आएगा, बाकी कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कल एक छोटा मोटा क्लिप लेके आया करेंगे, चाहे वो फैट लूज से हो चाहे कुछ भी हो, आपको शॉर्ट्स में समझाया करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लिप व्लॉग तो मैं रेगुलर डालूंगा, देखो व्लॉग जरूरी है ताकि मेरी आदत बनी रहे, बाकी शॉर्ट्स लेके आऊँगा मैं जिसमें आपको छोटे वीडियो में आपको जल्दी समझ आ जाए जो भी लीन गेन करना है या फिर कोई भी डाइट होगी। बाकी मिलते हैं कल आपको, थैंक यू। हाँ जी गाइस स्कैम दिखाऊँ आपको, स्कैम एक देखो ग्रीन टी और ये लड्डू चल रहा है। गाइस 12:30 का टाइम है, मैं आखिरी में ग्रीन टी पी रहा हूँ और भाई साहब यहाँ पे लड्डू चल रहा है, अच्छी होती है खाने। मेरा इतना मन ललचाता है ना, इतना मन पर नहीं कैसे कंट्रोल कर रखा है, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सी, इसको बोलते हैं बॉडी।